तो आज गुरु पूर्णिमा को स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात, जैसे मैंने कहा आपको, सबसे पहले अपने माता पिता के चरणों की पूजा करनी चाहिए। अपने माता पिता को एक शुद्ध आसन पर बैठाकर उनके चरणों को पखाड़ना चाहिए, उनको माला पुष्प अर्पण करनी चाहिए। दक्षिणा के तौर पे जो माता पिता आपसे वचन मांगे, उस वचन को आपको देना चाहिए। कहते हैं कि इस मनुष्य जीवन में सप्ताह में एक बार, साल में एक बार, अपने जीवन में एक बार अपने माता पिता के चरणों का पखार दीजिए और उस जल का आप चरणामृत ले लीजिए, आपका मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। तो आज गुरु पूर्णिमा पर अपने माता पिता के चरणों को जरूर पखारिएगा। आज गुरु पूर्णिमा पर पीपल के वृक्ष की जड़ पर कुछ मीठा रखकर, पांच तरह की अगर मिठाई उपलब्ध हो और नहीं तो गुड़ या शक्कर रखकर मीठा जल पीपल की जड़ में आज आप अर्पण कीजिएगा। धूप बत्ती वहां पर जलाइएगा, दीपक जलाइएगा, माँ लक्ष्मी का पूजन कीजिएगा, माँ लक्ष्मी को अपने घर पर निवास करने के लिए आमंत्रित कीजिएगा। निश्चित तौर पर आज गुरु पूर्णिमा के दिन, आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन, माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। आज आषाढ़ी पूर्णिमा पर गुरु पूर्णिमा के दिन संध्या समय में चंद्रमा उदय होने के पश्चात साबूदाने की खीर मिश्री डालकर, शक्कर नहीं डालना है, मिश्री डालकर बनाइएगा, माँ लक्ष्मी को भोग लगाइएगा, प्रसाद के रूप में वितरित करने से धन के आगमन के मार्ग खुल जाते हैं, कर से मुक्ति मिलती है, चंद्रदेव प्रसन्न होते हैं, मानसिक अवसाद से मुक्ति मिलती है। गुरु पूर्णिमा के दिन चंद्र उदय होने पर चंद्रमा को कच्चे दूध में थोड़ी सी शक्कर, थोड़े से अक्षत मिलाकर उसका अर्ध प्रदान करना चाहिए। कच्चे दूध में शक्कर और चावल मिलाकर चंद्रदेव को अर्ध प्रदान करें। निश्चित तौर पर आज के दिन चंद्रदेव को अर्ध प्रदान करने से फाइनेंशियल क्राइसिस धीरे धीरे खत्म होती हैं। यदि आपके घर में कोई डिप्रेशन का पेशेंट है, बच्चे यदि मानसिक अवसाद से ग्रसित हैं, तो आज चंद्रदेव को जल और दूध और अक्षत का अर्ध प्रदान करवाइए, उनको डिप्रेशन से मुक्ति मिलेगी, मानसिक अवसाद से मुक्ति मिलेगी, कर्ज से मुक्ति मिलेगी। आज गुरु पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी के प्रतिमा के समक्ष या चित्र के समक्ष 11 पीली कौड़ियाँ चढ़ाकर, और अगर पीली कौड़ी नहीं मिले तो सफ़ेद कौड़ी पर हल्दी से उनको रंग कर तिलक करें। उसके पश्चात अगले दिन सुबह उन कौड़ियों को लाल या पीले कपड़े में बांध कर अपनी तिजोरी में, अपनी कैश काउंटर में रख लें। निश्चित तौर पर इस उपाय से आपके घर के अंदर, आपके कैश काउंटर के अंदर, आपके व्यापार के अंदर धन की कमी कभी नहीं रहेगी। वही गुरु पूर्णिमा के दिन आज हनुमान मंदिर जाना मत भूलिएगा, और अगर हनुमान मंदिर बंद है कोरोना काल की वजह से, तो घर में ही हनुमान जी की तस्वीर के समक्ष चमेली के तेल का आज आप दीपक जलाइएगा, और आज हनुमान चालीसा का पाठ करना मत भूलिएगा। हनुमान जी महाराज प्रत्यक्ष दिखते हुए देवता हैं, अजर अमर हैं। हनुमान जी महाराज के आज पूर्णिमा पर आशीर्वाद लेने से, गुरु रूप में उनको स्थापित करने से भगवान श्री राम जी का आशीर्वाद और साथ में हनुमान जी का आशीर्वाद से आपकी काया निरोगी रहेगी, आपको शत्रुओं बाधा से मुक्ति मिलेगी। वहीं आज गुरु पूर्णिमा पर भगवान विष्णु को तुलसी माला, और तुलसी आज नहीं तोड़नी है, ध्यान रखिएगा, पहले की तोड़ी हुई अगर तुलसी हो तो वो ही चढ़ानी है, और गुलाब का पुष्प चढ़ाने से मन की सारी मुरादें पूरी होती हैं। महादेव को धतूरे का पुष्प, धतूरे का फल चढ़ाने से, भांग चढ़ाने से कालसर्प दोष से मुक्ति मिलती है।